सिराज किस तरह से देखते हैं यहाँ पर आप आए और 5 विकेट हॉल, ये बॉलिंग एट स्पेशली फास्ट बॉलिंग में देखे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अब इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये फ्लैट विकेट पे 5 विकेट लेना इतना ईजी नहीं है, तो स्पेशली थैंक्स टू सोहम भाई जो मेरे फिटनेस पे उन्होंने वर्क किया अभी तक, जो मतलब अभी कंटिन्यू में मैचेस खेल रहा हूँ, मतलब टू बी हॉनेस्ट क्रेडिट टू सोहम भाई जो ने मेरे पीछे मेहनत किया है हर चीज़, मतलब प्रोटीन से लेके ओमेगा से लेके हर चीज़ उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर करते हैं, और वो बैंड भी देख लो अब उन्होंने ऑर्डर किया है, तो जैसा मेरा परफॉर्मेंस की बात है तो बहुत ही अच्छा है जो मैंने प्लान सेट किया था, और स्पेशली जब रिवर्स हो रहा था तो मैंने बहुत ही अपने वो रिवर्स को अच्छे लाइन और लेंथ पे एग्जीक्यूट किया था। सिराज, अगर आप 2.5 साल का आपका टेस्ट करियर है, इतना इंडिया को कॉन्फिडेंस हो गया आप पर कि बुमराह नहीं है, शमी को भी सीरीज़ के लिए रेस्ट किया गया, सिराज संभाल लेगा, तो ये क्या जिम्मेदारी देती है या प्रेशर देता है और आप डिलीवर भी कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब कोई नहीं रहता है तो एक मुझे जब उतरना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और चैलेंजिंग भी रहता है तो वहाँ पर मुझे बहुत ही एक चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कल आप लोग तीनों में होड़ लगेगी कि आप में अश्विन और जडेजा में फिफ्थ डे पे कौन जल्दी समेटेगा? जैसा विकेट चल रहा है आयुष भाई ने, मुझे ऐसा लगता है आयुष भाई ने खोल देंगे क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है तो ज़्यादा क्रेडिट मिलता है उनको कि कल स्पेशली हो जाए। तो सिराज, आज थोड़ी देर पहले ब्लैकवुड ने कहा कि आप थोड़ा डिफ़िकल्ट थे फेस करने में क्योंकि आपको ज़्यादा हेल्प मिल रहा था, मदद मिल रहा था विकेट से, तो क्या लगता है कि ऑब्वियसली आज सुबह भी आपने जिस तरह से जिस अंदाज से जल्द उन वेस्टइंडीज़ को लिपट दिया, तो वैसे ही क्या होने वाला है 5वां दिन? जैसा मेरा प्लान था सिंपल के बॉल ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि सिंपल प्लान रखता हूँ स्टम्प टू स्टम्प, वहाँ पर से अगर मेरा सीम हो गया तो बहुत ही अच्छा है, तो मेरा प्लान एक ही था कि जितना हो सके मैं एग्जीक्यूट करते रहो। और रही बात कल की, आज जैसा बॉल स्विंग हो रहा था क्योंकि नया बॉल भी था आज सुबह में तो वो अच्छा हिल रहा था, तो कल थोड़ा बॉल पुराना है तो जितना हो सके हम लोगों का प्लान रहेगा कि सिंपल रखे, ज़्यादा रन ना दे और प्रेशर बिल्ड करते रहे। और विकेट, इस विकेट में जैसा आपने शुरू में ही कहा कि इस विकेट में आपका जो ये प्रदर्शन रहा इज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि वो आपने काफ़ी मेहनत किया, और तो क्या लगता है हाउ डू असेस योर परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज? यहाँ परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिड में, और ऑन एंड ऑफ जैसा बारिश भी हो रही थी, ऑन एंड ऑफ मतलब बॉडी फिर गर्म करना फिर बॉडी रिलैक्स हो जाती, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था और डिफ़िकल्ट भी है एज ए फास्ट बॉलर के लिए क्योंकि जब इतनी गर्मी में आप लॉन्ग स्पेल डालना इतना ईजी नहीं है, तो जितना हो सके मैं बॉडी को ये करता हूँ कि वार्म अप रखता हूँ और जितना हो सके उतना काम रख के अपने प्लान पर फोकस करता हूँ। सिराज, ईशान किशन की बैटिंग के बारे में और रोहित का ये जो अप्रोच था इंडिया का, सडनली हमें देखने को मिला बेसबॉल वाला जो सुन रहे होंगे 7.5 से ऊपर का रन रेट, अचानक T20 मोड में आ गई इंडिया और इंडिया का ऐसा स्ट्राइक रेट देखने को नहीं मिलता, तो क्या स्ट्रैटेजी थी और दोनों कप्तान और ईशान की एग्रेसिव ही नहीं? ईशान की, क्योंकि ईशान तो एग्रेसिव है क्योंकि ऋषभ पंत नहीं रहने से वो एक विकेट कीपर जो ऋषभ पंत की कमी थोड़ी उतनी पूरी कमी नहीं महसूस होगी बट थोड़ी तो कमी वो पूरा कर सकता है क्योंकि वो उसके पास एबिलिटी है कि वो लंबे शॉट मार सके और हर जगह मार सकता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह नहीं, वो हर जगह मार सकता है, तो वही जिसको प्रमोट किया कि जाके तू मार क्योंकि हम लोग के बोर्ड पर अच्छे खासे रन थे, तो जितना हो सके हम लोग रन ज़्यादा रखेंगे बोर्ड पर तो जितना जल्दी आएंगे तो हम लोग को फिर उन लोगों को ज़्यादा ओवर्स खेलने को मौका मिलेगा, तो हम लोग का यही की प्लान था कि जाके ऋषभ वो ईशान को मारने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम। लेटेस्ट न्यूज़ और एक्सक्लूसिव वीडियो সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।